बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेसिक वो है इंग्रेडिएंट कह लो क्लासेस, उनको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखना शुरू किया था कि हम उसको इम्प्लीमेंट करते कैसे। ठीक है, हमने इवेंचुअल उनको कोड करके जावा में उसको इस्तेमाल करना, उनको इस्तेमाल करना सीखना शुरू किया था। आज हम उनको उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर भी आ गई, एम आना चाहिए यहाँ पर। खैर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यूएमएल और क्लास एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये दोनों हम देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं उस पर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे, क्लास को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो हम बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे पिछले लेक्चर में, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने उस पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि ये जो हमारे पास क्लासेस वो हुई थी, क्या कहते हैं, मार्क की थी हमने इस अपने रिक्वायरमेंट में से, ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट में से हमने कुछ क्लासें जैसे ये स्कूल, कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, ये हमने किया था। जब हम कोड कर रहे थे तो हमने कहा कि यार ये स्केजुअल जो है ना कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है, यानी कि इसमें टाइम भी होता है, डे भी होता है, ड्यूरेशन भी होती है। तो ये भी जो है ये एक प्रिमिटिव टाइप नहीं है, बल्कि इसको हम, ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, हम इसको दो तीन चीज़ों को जोड़ के बनाते हैं। तो हमने इसकी भी एक क्लास बना ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी। अब हम आगे मूव करते हैं। हम पहले तो हम वेरी क्विकली देखते हैं जाके कि वो क्या था जो हमने लास्ट टाइम किया था, ने वो था स्केजुअल। ठीक है, तो स्केजुअल में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जी हमने एक एग्जाम्पल स्केजुअल को डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर हम स्केजुअल का डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला वो ये स्केजुअल होगा, यानी कि मंडे और वेडनेसडे को 10 बजे सुबह 2 घंटे या 1 घंटे ड्यूरेशन, ये ऑफिस आवर्स के हमने एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो स्केजुअल की क्लास है, हमने ये कहा था कि जी किसी स्केजुअल को स्टोर करने के लिए या किसी स्केजुअल की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डेटा उसका क्या है, कोई स्केजुअल, स्केजुअल क्या होता है, स्केजुअल ये होता है भाई, जैसे टीचर, हम एक पर्टिकुलर स्केजुअल की बात कर रहे हैं कि टीचर का स्केजुअल, ठीक है, या क्लास का स्केजुअल, दो में से कोई एक स्केजुअल। टीचर का स्केजुअल क्या होगा, ऑफिस आवर्स का, कि जी हफ्ते में वो 2 दफ़ा या 1 दफ़ा या 4 दफ़ा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हर हफ्ते जो है वो अपने ऑफिस में बैठा होगा ताकि स्टूडेंट आकर उससे मिल सके। तो लिहाजा हमने कहा था कि हफ्ते में कुछ दिन होंगे जब वो उसका स्केजुअल, यानी कि ऑफिस आवर्स का होगा, कोई ख़ास दिन का टाइम होगा, और वो जब वो ऑफिस में बैठेगा तो उसकी कोई ख़ास ड्यूरेशन होगी, 1 घंटे के लिए बैठेगा, 2 घंटे के लिए बैठेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमारा ये डेटा है। ठीक है, किसी भी स्केजुअल में ये डेटा होता है। उसके साथ हमने एक बिहेवियर इम्प्लीमेंट किया था। हमने कहा था कि भाई जब भी कोई स्केजुअल होगा, उसको यूं कर लें कि जी स्केजुअल की क्लास जो होगी, ठीक है, स्केजुअल की क्लास अगर होगी तो उसके अंदर ये तीन, तो हमारे पास डेटा आ गया, हफ्ते के जो दिन हैं, डेज, ठीक है, टाइम और ड्यूरेशन। ठीक है, और चौथा हमने कहा था कि उसका एक बिहेवियर है कि जी अगर किसी को, किसी का, यानी कि जो स्केजुअल है उसको गेट करना हो, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, और तो लिहाजा अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये स्केजुअल की क्लास एक किस्म के लिहाज से कंप्लीट हो गई। अगर हमने किसी किसी भी टीचर का स्केजुअल ऑफिस आवर्स का या किसी कोर्स का स्केजुअल, क्योंकि किस वक्त वो कंडक्ट होता है, वो अगर करना हो तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि हम कोई टीचर वाला जो है वो घर पे करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं। टीचर वाले में देखें तो हमारे पास नेम है, कोर्स है और ऑफिस आवर्स है। तो हम पहले सिंपल वाले पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर, क्योंकि इसमें टीचर वाले के लिए हमें कोर्स चाहिए होगा, तो कोर्स अभी डिफाइंड नहीं है, तो हम कोर्स पे चले जाते हैं।
कोर्स पे जाते हैं तो कोर्स में नेम है, क्रेडिट आवर्स फ्लोट है और स्केजुअल है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि इसका जो डेटा टाइप है वो तकरीबन मौजूद है, ठीक है, या यूँ कह लेंगे कुछ हद तक मौजूद है कम से कम। वैसे हम देखें नॉर्मली हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस क्लास को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी कम से कम चीज़ें यानी कि हमें चाहिए होती है ना, एक दूसरे से डिपेंडेंसी जिसकी कम से कम होती है, लेकिन खैर हम इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे देखें। एक कोर्स जो है, अब देखें अभी हमने जब हम एक कोर्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में, यानी कि हमने कोड की रिप्रेजेंटेशन देनी है कोर्स को, ठीक है, तो सबसे पहले तो बात जहन में रखें जैसे हमने स्केड्यूल को भी करते हुए किया था कि अब हम कोर्स के मुतालिक सिर्फ सोचेंगे, ठीक है, बाकी इसका यानी कि जैसे हमने पहले भी इनकैप्सुलेशन की बात की, आज भी हम थोड़ा सा उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसका मतलब क्या है कि जी एक कोर्स कैसा होता है, उसका क्या डेटा होता है, उसके अंदर क्या बिहेवियर होता है, हमने सिर्फ ये सोचना है, ठीक है। तो हमने जब पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे इस जगह पर ठीक है, तो हमने क्या सोचा था कि जो कोर्स होता है उसका कोई नाम होता है, ठीक है, कोई क्रेडिट आवर होता है, कोई स्केड्यूल होता है, उसको कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्स पढ़ रहे होते हैं और कोई टीचर होता है जो कोर्स को पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम इसी बेस के ऊपर हमने क्या किया कि कोर्स के अंदर ये पांचों चीज़ें डिफाइन कर लें, ठीक है। अब हम जब भी डिफाइन कर लें तो सबसे पहले हम हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब कि डेटा को हमारा जो कोर्स का डेटा है वो उसका डेटा से सॉरी कोर्स से ताल्लुक होना चाहिए, किसी और से नहीं। तो इस इनकैप्सुलेशन के लिए हमने देखें सबको प्राइवेट कर दिया हुआ है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह इनिशलाइज होगा ना, यानी कि कोर्स को जब हम कोई कोर्स डिफाइन करेंगे यानी कि जी ये मिसाल के तौर पर मैथ्स का कोर्स है, ठीक है, तो उसका नाम रखेंगे मैथ्स, उसके क्रेडिट आवर्स हैं जी 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, स्केजुअल है मिसाल के तौर पर वो वेनसडे और फ्राइडे को इतने बजे उसका उसका लेक्चर होता है, ठीक है, तो हम इनिशलाइज करेंगे तो इनिशलाइज करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो इनिशलाइज करने के हमारे पास कॉमनली दो तरीके होते हैं, एक कि हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है, कि जिसको यूज़ करके कोई जो बंदा इस कोर्स को इस्तेमाल करेगा वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सके, और दूसरा तरीका होता है सेटर्स का, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर, सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक, उसके बाद क्लास का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, डायरेक्ट क्लास का नाम होता है, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। इसका तो मतलब हो गया कि एक एम्प्टी कोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम अगर इसको ये कंस्ट्रक्टर में कुछ भी हम नहीं कर रहे तो प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं कि बस कोर्स का अगर ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करेगा तो इट विल हैव नथिंग। तो हम करते क्या है जी, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी नॉट स्ट्रिंग फ्लोट क्रेडिट आवर्स, मैंने फ्लोट दिया है लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं, वैसे नहीं 1.5 आवर्स का शायद हो सकता होगा, हाँ कोर्स तो ठीक है फ्लोट, और ये हो सकता है कि कोई कोर्स हो और उसका नाम और उसका क्रेडिट आवर्स हो लेकिन उसका भी स्केड्यूल बना ना हो, तो लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये हमारे पास यानी कि मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर ये हो तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पैरामीटर के तौर पे नेम आ रहा है इसको दिस डॉट नेम को असाइन कर दो। दिस डॉट नेम क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जी भाई जो हमें क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो वैल्यू हमें मिली है वो इस क्लास के फील्ड डेटा फील्ड को असाइन कर दो, ठीक है ना, दिस का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो और इसी तरह दिस डॉट क्रेडिट हाँ इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई आना चाहिए, क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू क्रेडिट आवर्स। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा ये देखेंगे सेम चीज़ है, क्रेडिट आवर्स जो है यहाँ पर भी है और क्रेडिट आवर यहाँ पर भी है, ठीक है, इसी तरह नेम यहाँ पर भी है और नेम यानी कि यहाँ पर
और नेम यहाँ पर भी है। तो हमेशा लोकल स्कोप जो होता है वेरिएबल का, सबसे वेरिएबल सबसे पहले वो देखेगा क्रेडिट आवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, यह क्या यहाँ लोकली मौजूद है? हाँ मौजूद है। अगर वो लोकली मौजूद हो तो वो उसको इस्तेमाल करता है। तो हमने कहा था कि जी लोकल स्कोप में यानी कि क्रेडिट आवर्स यहाँ मौजूद है तो वो इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पीछे दिस लग जाए, उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि ये वाला तो नहीं भाई, ये जो दिस का मतलब होता है क्लास, जो क्लास के अंदर क्रेडिट आवर्स है ना उसको, उसकी बात हो रही है। तो लेफ्ट साइड पर क्लास वाले वेरिएबल की बात हो रही है और राइट साइड पर लोकल वेरिएबल की बात हो रही है। तो लोकल वेरिएबल शुड बी असाइंड टू द क्लास वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको वो मिला है क्रेडिट आवर्स और नाम, वो उसको असाइन कर दो। अच्छा, ये हो गया। जैसे हमने कहा था कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं कि भाई अगर इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है तो इस तरह कर लो, वरना उस तरह कर लो। ठीक है, स्केड्यूल। अच्छा, अब एक तरीका तो वही है कि हम हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो, अच्छा हम मैंने कि वो जहन में रखें कि हम कोर्स के अंदर मौजूद हैं, हम कोर्स का डेटा हमारे पास मौजूद है, नेम, क्रेडिट आवर्स और स्केड्यूल। यानी कि हमने कहा कि जी किसी भी कोर्स का डेटा ये होता है, यानी कि उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसका कोई ना कोई क्रेडिट आवर्स होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिवर्सिटी शुरू नहीं की, आप लोगों में से जिन्होंने, वो क्रेडिट आवर्स कहते हैं बेसिकली कि कितना आपने उसमें, किस कोर्स के अंदर कितना आपने पढ़ना है, ठीक है। तो उसको क्रेडिट आवर से मेजर करते हैं। जैसे नॉर्मली हम एफएससी वगैरह से पहले तो जो भी कोर्स पढ़ते हैं वो पूरा साल पढ़ते हैं ना, तो लेकिन यूनिवर्सिटियों वगैरह में वो एक सर्टन यानी कि उसकी उसकी क्वांटिफिकेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हाँ, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं जो कि हाफ होते हैं बनिस्बत इसके वो जो फिजिक्स और इंग्लिश के होते हैं। तो उनके जो एंड मार्क्स होते हैं हम उससे काइंड ऑफ वहाँ डिटरमिन कर लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट के 200 नंबर होते हैं, किसी सब्जेक्ट का 100 नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्रेडिट आवर्स जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि उस कोर्स के अंदर कितना। तो खैर, ये वो क्रेडिट आवर है। तो हमने कहा कि किसी कोर्स का नाम हो सकता है, उसके क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं, उसका कोई ना कोई स्केड्यूल हो सकता है, ठीक है। और हमने अभी पहला कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, दूसरा कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली जो है वो उसको इनिशलाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है कि अगर किसी ने कोई नया कोर्स वो करना है, इनिशलाइज करना है, तो वो ऐसे कर सकता है। अच्छा, हम इस तरह कर सकते हैं। एक तरीका जो हमने नहीं पढ़ा हुआ वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, दोनों में एक ही काम हो रहा है ना, दोनों कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू, और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस डॉट क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू क्रेडिट आवर्स। हम एक काम कर सकते हैं, दिस ये एक तरीका होता है, नेम क्रेडिट आवर्स, अगर हम दिस के साथ लिख के, दिस देखें स्पेशल होता है ना, हम दिस से मुराद होती है क्लास में इसी क्लास को पॉइंट करना, ठीक है। उसके साथ अगर हम ये डाल दें तो इसका मतलब होता है कि ऐसा, इस लाइन का मतलब है ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो जिसमें नेम और क्रेडिट आवर्स यानी कि दो स्ट्रिंग और फ्लोट का क्या कहते हैं पैरामीटर जाते हो, तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना। इसमें नेम और क्रेडिट आवर्स है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह क्या फायदा होगा हमें, इससे फायदा हमें ये होगा कि ये वाली चीज़ जो रिपीटेशन थी, क्योंकि कोड के अंदर हम हमेशा रिपीटेशन ख़त्म करते हैं, तो रिपीटेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर हमेशा एक दफ़ा कॉल होता है, तो ये देखें इस कंस्ट्रक्टर में आएगा और वो अगले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, तो अगले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है लेकिन बहरहाल वो एक दफ़ा ही कॉल होगा। तो उसको जब ये कॉल करेगा यानी कि लाइन नंबर 18 जब हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि नेम और क्रेडिट आवर सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद वो सिर्फ स्केड्यूल को यहाँ सेट करना होगा, ठीक है। तो जो मेरा पिछला कोड था जिसमें मैंने तीनों लाइनें लिखी हुई थी, उसकी निस्बत अब कोड जो है वो कॉन्साइज हो गया, ठीक है, रेपिटेशन उसमें से ख़त्म हो गई और इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, हमने इन तीन वेरिएबल्स को इधर कर लिया, इन दो को अभी हमने नहीं किया कुछ भी, ठीक है।
तो अभी हम इसको बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट का और टीचर का ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया, हम पहले उसको डिफाइन कर लेंगे और हम अपने इस क्लास को जो है ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ कर जाएंगे और हम वापस इधर आएंगे, ठीक है? तो ये क्लास अभी हमारी क्या हुई है, सिर्फ और सिर्फ यूँ कह लेंगे दो वेरिएबल, सॉरी तीन वेरिएबल के लिहाज से हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। हम सेटर्स डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं, और हमने लास्ट टाइम सीखा था कि सेटर्स करने का शॉर्टकट क्या होता है, राइट क्लिक करें, सोर्स करें, ठीक है, और सोर्स के अंदर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ये क्लिक करें, तो टक 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 टक, ये पांचों का मैंने कर दिया, तो मैं ये करूँगा। तो उसने वो, क्योंकि वो रिपीट एक ही सेम 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 चीज़ होनी थी, तो आपको इक्लिप्स ये हेल्प करता है कि जी आप इस तरह करके सेम सेम कोड बार बार लिखने की जगह ये करें, तो ये सारा कोड जो है उसने खुद ब खुद लिख दिया, ठीक है? इतना कोड हम लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं इस कोर्स की क्लास को, और हम चलते हैं अपने टीचर की क्लास के पास, जहाँ जो हमने थोड़ा बहुत घर से भी किया था, ठीक है? आप लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने अटेम्प्ट करके मुझे दिखाया है वो उनका गलत नहीं है, सही है, अगरचे अभी देखें हम उसको किस तरह थोड़ा सा हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा था आपको कि जब हम कोर्स के एक क्लास में थे, हमने कहा था अब हमने सिर्फ कोर्स के बारे में सोचना है, इसी तरह हम टीचर की क्लास में आए हैं, हमने सिर्फ टीचर के बारे में सोचना है। मैं तो दोबारा वो करता हूँ, हम दोबारा जो है ना वो रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं इस वाली स्लाइड पर। यहाँ पर देखें लिखा हुआ था, यहाँ से रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई थी उससे हमने सोचा था कि जी इस क्लास इसमें इस सिस्टम के अंदर हमें टीचर की ज़रूरत होगी, ठीक है ना? यहाँ पर टीचर्स टीच वन और मोर कोर्सेज, तो हमने कहा था अच्छा टीचर जो है ना वो कोर्स वो करते हैं, टीच करते हैं। अ टीचर ऑल्सो हैज मैनेज ऑल्सो मैनेजेस ऑफिस आवर्स व्हेन स्टूडेंट्स कैन गो एंड मीट हिम, ठीक है? दो चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी बेस पे हमने लिखा था टीचर, ठीक है, और यानी कि ये क्लास, और हमने लिखा था कि टीचर के जो है ना वो कोर्स और ऑफिस आवर्स, आइडियली टीचर का कोई नाम भी होगा वैसे, तो वो हमने यहाँ नहीं लिखा था, ठीक है ना? आइडियली यहाँ पर एक नाम भी होना चाहिए, तो वो हमने नहीं लिखा था, लेकिन अभी हम उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन इन एनी केस हम वापस चलते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने नाम डाला था, विच इज़ गुड ऑलरेडी, ठीक है? तो नाम है, कोर्स है और ऑफिस आवर्स है, तो हम देखते हैं उसी तरह अभी जिस तरह हमने किया था। अब हम टीचर के अंदर मौजूद हैं, टीचर की क्लास में, और हमने सिर्फ ये सोचना है कि अगर एक क्लास हो टीचर की, ठीक है, तो उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं? हमने कहा जी कि उसका एक कोई ना कोई नाम होगा, वो कोई ना कोई कोर्स पढ़ा रहा होगा, ठीक है, और उसका कोई ऑफिस आवर्स होगा जिसमें वो स्टूडेंट से मीट मिलता है, ठीक है? तो ये हमने डेटा बना लिया। इसका बिहेवियर क्या होगा? मिसाल के तौर पर इसमें बिहेवियर कुछ इस तरह होगा कि जी हम टीचर से, टीचर की क्लास से ये पता करा सकते हैं कि भाई ये वाला टीचर अभी कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है, ठीक है, ये वाला टीचर किस का ऑफिस आवर्स क्या है, या ये बिहेवियर हो सकता है कि भाई इस टीचर के कौन कौन से स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो हम उस तरफ चलते हैं बिहेवियर डिफाइन करने की तरफ, लेकिन बिहेवियर डिफाइन करने से पहले इसमें भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कोर्स वाले क्लास में अभी कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए कि इसको इनिशियलाइज आप कैसे कर सकते हो, और सेटर एंड गेटर डिफाइन किए कि इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, यानी कि जो हमने कहा था कि जी चूंकि ये प्राइवेट है सारा, तो ये तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, तो इसको एक्सेस कर, तो वो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करूँगा, लेकिन अभी हमने चूंकि थोड़ी देर पहले किया है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करूंगा। लेट्स डू इट वन बाय वन। पहले मैं सेटर और गेटर बना रहा हूँ। सेटर और गेटर हम कैसे बनाते हैं? सोर्स में जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है? मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, पब्लिक होगा, एक्सेस मॉडिफायर एंड ब्ला ब्ला, ये हो गया, ठीक है? ये क्रिएट करने के बाद इसके बीच में जिस तरह अभी हमने कोर्स के कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा, लेकिन आप लोग ज़रा सा तवज्जो रखें। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, हमेशा पब्लिक और फिर क्लास का नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम,
टीचर का नाम कम से कम लाजमी होना चाहिए, और कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है टीचर, ठीक है, और उसके ऑफिस आवर्स क्या है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। मैं फिर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि टाइम ना जाया हो। तो कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया ये, ठीक है। अब हम आते हैं बिहेवियर की तरफ। हमने कहा था कि जिस तरह हमने कोर्स की तरह इस पे भी कंस्ट्रक्टर बना लिया कि अगर किसी को टीचर के ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करना है तो उसको ये तीन पैरामीटर देने होंगे कि भाई वो क्या नाम उस टीचर का क्या है, कोर्स कौन से पढ़ा रहा है वो या कौन सा पढ़ा रहा है, और उसके ऑफिस आवर्स क्या है, ठीक है। तो स्केड्यूल का अब हम इसमें, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब हमारा बिहेवियर हमने ऐड करना है। बिहेवियर के लिए हमने अभी क्या कहा कि बिहेवियर क्या हो सकता है एक टीचर का, उसका यानी कि यूँ कह लें कि उसके अंदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं। फंक्शन ये हो सकते हैं जी कि फाइंड कोर्सेज, ठीक है ना, गेट कोर्सेज कह लो कि भाई कौन सा कोर्स आखिरकार वो पढ़ा रहा है, तो वो पहले से यहाँ मौजूद है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है सच। तो गेट कोर्स मौजूद है, ये गेट कोर्स हम करेंगे तो उसका कोर्स आ जाएगा। गेट नेम करेंगे तो उसका नेम हमें पता लग जाएगा, ठीक है। गेट ऑफिस आवर्स करेंगे तो उसका ऑफिस आवर्स है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक बिहेवियर ये हो सकता है कि गेट स्टूडेंट्स, यानी कि इस टीचर के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक स्टूडेंट एरे गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट एरे स्टूडेंट्स इक्वल टू नल रिटर्न याद है आपको, हमने ये तरीका किया था कि अभी हमने इसको किया नहीं है तो इसलिए हमने इसके बीच में टू डू लिख दिया। लेकिन ये हमारा एक बिहेवियर है कि जो कि हमने हमने कहा कि ये हो सकता है एक टीचर जो है उसको आपको कोड के अंदर ये जरूरत पड़ सके। यानी कि दो तरीके होते हैं, एक तो जब आप क्लास लिख रहे हैं तो उस वक्त सोचें कि इसको क्या क्या फंक्शन की जरूरत हो सकती है और आप वहां लिख दें, जैसे अभी मैंने भी गेट स्टूडेंट्स किया। दूसरा होगा कि जब आप इस क्लास को इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि आप ही इस्तेमाल आप पहला यानी कि यूं कह लेंगे आप जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको ख्याल आएगा कि अच्छा इसको तो इसके अंदर तो ये वाला फंक्शन होना चाहिए, तो फिर आप उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें कमेंट डाल रहा हूँ, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टॉट बाय दिस टीचर, ठीक है। तो डायरेक्टली देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है इस कोर्स के अंदर, जिस जो कोर्स पढ़ रहे हो वो वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ये हम कोर्स में जाएं तो कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ये इम्प्लीमेंट भी बल्कि कर देते हैं टू डू ख़त्म करके। क्या होगा, इफ कोर्स इज नॉट इक्वल टू नल, अगर तो हमारा कोर्स नल है फिर तो हमारे पास इसका मतलब है कि टीचर किसी कोर्स को पढ़ा ही नहीं रहा, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई ना कि जब टीचर कोई कोर्स पढ़ा नहीं रहा तो उसके स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोर्स इज नॉट इक्वल टू नल तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कोर्स डॉट गेट स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने इसको गेट स्टूडेंट किया तो ये कह रहा है कि गेट स्टूडेंट जो है ना वो गलत टाइप है, तो हम चल के देखते हैं कि क्यों गलत टाइप है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है ना, यहाँ हमने गलती की हुई है, यहाँ इसको ये होना चाहिए क्योंकि ये तो लिस्ट है, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट की जगह इसको इंडिविजुअल स्टूडेंट बनाया हुआ था, तो जैसे ही हम ये करेंगे हमें इधर भी आगे चेंज करना पड़ेगा और इधर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं टीचर वाली क्लास के अंदर। तो अब ये देखें, अब हमने क्या कहा है कि भाई अगर तो स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए तो कोर्स की लिस्ट चेक करो, कोर्स चेक करो, कोर्स अगर है तो कोर्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है ना वो सारे के सारे इस टीचर के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, क्योंकि ये टीचर ये वाला कोर्स पढ़ा रहा है, तो ये हमारा एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह करके हमारा टीचर जो है वो काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, हमने पिछली दफ़ा जब स्केड्यूल इम्प्लीमेंट किया था तो एक काइंड ऑफ ड्राइवर इम्प्लीमेंट किया था या एक टेस्टर इम्प्लीमेंट किया था। इसमें अभी हमने वो नहीं इम्प्लीमेंट किया, दैट सो दैट मेक सेंस, हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर जो हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं इस टीचर को टेस्ट करने के लिए, लेकिन हम आगे चलते हैं। टीचर हो गया, अब हम स्टूडेंट में चलते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट में हमने कहा था कि, अच्छा मैं वापस इधर आ रहा हूँ, सॉरी, टीचर पर। टीचर देखें, हमने कहा था कि जी हम टीचर के अंदर तीन तरह के डेटा फील्ड मौजूद हैं, और नाम, कोर्स और क्रेडिट आवर्स, या सॉरी ऑफिस आवर्स, और उनके लिहाज से हमने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। और एक चीज़ हमने इवन एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट कर दी कि अगर हमें कोर्सेज का पता हो तो हम उसके उस्ताद के स्टूडेंट्स को भी फेच कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद हम स्टूडेंट पर आते हैं। अब हम स्टूडेंट में उसी तरह हम लोकलाइज्ड हो जाएंगे, हमने स्टूडेंट के मतलब एक सोचना है, एक स्टूडेंट क्या होता है। एक स्टूडेंट जो होता है उसका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है, उसने कोई ना कोई कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की हुई होगी, एडमिशन लिया हुआ होगा कि जी मैंने ये वाला कोर्स उठाना है। ठीक है, रंबर ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक अगर ठीक करनी हो तो इस पर आप राइट क्लिक करें, रिफैक्टर। रिफैक्टर का मतलब होता है सही करना, ठीक है, यानी कि दोबारा से उसको फैक्टर करना। तो उसके बाद रीनेम, ठीक है, रीनेम क्लिक करें और आर की जगह एन कर दें, नंबर हो गया ये, एंटर मारें, वो हर जगह ठीक कर देगा। ठीक है, वो यहाँ भी ठीक कर दिया उसने और वहाँ भी ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये इक्लिप्स आपको ये आसानी देता है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट के अंदर रह के हम सोचेंगे कि जी स्टूडेंट के क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सके। स्टूडेंट का नाम, ये हमने सोचा हुआ पहले से और हमने वो चीज़ें भी लिखी हुई हैं। नाम हो सकता है, कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें वो रजिस्टर्ड होगा, उसका एक रोल नंबर होगा, और उसके कुछ ग्रेड्स में और मे नॉट भी शुरू में हो, ना हो सकता है, बाद में हो, लेकिन बहरहाल वो होंगे। ठीक है, और हमने उनके लिहाज से ये सारे सेटर और गेटर बना दिए। कोर्स सॉरी, ये तो कोर्स होगा ना, कोर्सेज, बल्कि इसको पहले होना चाहिए आइडियली। ग्रेड में नहीं लगा रहा क्योंकि ग्रेड शुरू में नॉर्मली नहीं होता, जब एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो होगा। अच्छा, तो लिहाजा कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। कंस्ट्रक्टर बनने के बाद हम इसमें हम देखते हैं कि कोई बिहेवियर इसमें, यानी कि इसका कोई फंक्शन ऐड करना बनता है इसके, गेट नेम, गेट कोर्सेज, गेट नाम, रंबर। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है, यानी कि वो हुआ था वो, क्योंकि उसने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, इसका नाम नहीं चेंज किया, इसको हम खुद चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेट नंबर और गेट नंबर यहाँ पर भी। तो ये हो गया, हम कोई और इसके अंदर कोई मेथड सोच सकते हैं कि इसके अंदर एक और फंक्शन होना चाहिए, यानी कि कोई इस काम के लिए या उस काम के लिए। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन हम सोच सकते हैं, रजिस्टर स्टूडेंट टू अ न्यू कोर्स।
ठीक है, अगर कोई एक नया कोर्स में स्टूडेंट जो है ना रजिस्टर होता है तो क्या होगा, पब्लिक वॉइड एड कोर्स, यानी कि जो कोर्स ले रहा है मिसाल के तौर पे वो एक कोर्स ले रहा है तो एक और कोर्स ऐड करना चाहें आप, तो नहीं मिसाल के तौर पे वो मैथ्स का कोर्स ले रहा है और वो फिजिक्स का भी कोर्स ले रहा है तो हमने उसका फिजिक्स का कोर्स ऐड करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप? दिस डॉट कोर्सेज, अच्छा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जब भी कोर्स ऐड करना होगा तो बेसिकली कोर्सेज की लिस्ट ये है, इस लिस्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट जो है हमारे पास एरे जो है वो फिक्स साइज की होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एरे जो है वो फिक्स साइज की होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ कोर्सेज इज नॉट इक्वल टू नल इज इक्वल टू नल और कोर्सेज डॉट लेंथ, सॉरी कोर्सेज डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट कोर्सेज इज इक्वल टू न्यू कोर्सेज। एक स्टूडेंट जो है वो फर्ज कर लेते हैं एक दफा में 5 कोर्स मैक्सिमम ले सकता है, बल्कि हम यूँ कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू कोर्स, क्योंकि एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में 5 से ज़्यादा कोर्स नहीं ले सकता तो 5 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा कि जब भी ये वेरिएबल बनेगा हमारा वो हमारा 5 कोर्स यानी कि से इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, क्या क्या होगा इसका मतलब, कि ये जो कोर्सेज का वेरिएबल है ये 5 कोर्स ऐड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जबकि यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर में क्या किया, हमने उसको नया असाइन कर दिया, तो या तो वो इनिशियलाइज वाला यूज़ होगा या ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, हम एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जिसमें स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर तो मिलता है लेकिन लिहाजा अगर कोई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो इसका मतलब है कि उसने जितने कोर्सेज मेरे यूजर ने रजिस्टर करना है वो कर देगा। अगर ये वाला कॉल करेगा तो हमारे पास उसके पास 5 कोर्सेज से इनिशलाइज हुआ हुआ है, तो होपफुली ये वाला क्या कहते हैं नल जो है वो नहीं होगा, कोर्स कभी भी नल नहीं होगा क्योंकि हम उसको इनिशलाइज 5 से कर रहे हैं। ठीक है, उसकी लेंथ 0 भी नहीं होगी अनलेस के ये वाला जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो उसको नल या 0 कर दे। तो अगर कोई ऐसा होता है तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि एरर कोर्सेज एरे इज नल। ठीक है, एल्स, अच्छा अब मिसाल के तौर पे कोर्स एरे के अंदर देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड हमने चुना है ऐड कोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जी स्टूडेंट के पास वेरी इन द वेरी स्टार्ट स्टूडेंट के पास 0 कोर्स होंगे ना, एक भी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक भी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जी उसको पहला कोर्स ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो ये वाला जो कोर्स है वो पहले इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह यूँ कर लेता हूँ, जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हमारा जो क्या कहते हैं कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में हमारे पास
पांच, यानी कि कोर्सेज के नाम से एक पॉइंटर बन जाएगा जिसके पास पांच लोकेशंस होंगे, ठीक है, पांच मेमोरी के रेफरेंसेस होंगे कि जहाँ पर पांच कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। तो जब ये पहली दफ़ा ऐड कोर्स कॉल होगा विद दिस कोर्स थिंगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मतलब होगा कि जी मेमोरी में किसी जगह पर कोर्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस जगह का एड्रेस है, मिसाल के तौर पर ये एड्रेस मैं लिख देता हूँ इधर, मिसाल के तौर पर ये A2 है, ठीक है, ये हमारे पास एड्रेस है वट एवर 01 02 03 04 और ये वाला 05, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अगर फर्ज के ये सारे खाली हैं अभी, तो पहले वाला जब आएगा तो पहले वाले के अंदर ये एड्रेस A2 आ जाना चाहिए, ठीक है, और इसी तरह जब ये A2 आ जाएगा और ये फिर दोबारा किसी वक्त कॉल होगा ऐड कोर्स विद एनदर कोर्स, तो इसका मतलब है कि वो एनदर कोर्स मेमोरी में किसी और जगह पर मेमोरी में जगह एलोकेट हुई भी होगी और इस जगह का एड्रेस लेट्स से C4 है, ठीक है, तो इन दैट केस इस जगह ये वाला पॉइंटर आ जाएगा कि भाई C4 एंड सो ऑन, फिर तीसरा आएगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा, चौथा आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका मतलब है कि जब ये फर्स्ट टाइम आया होगा तो यहाँ जीरो होगा, तो हमें इसका ये भी रखना है कि स्टूडेंट अभी कितने कोर्सेज में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें रखनी है यहाँ पर जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्राइवेट इंट कोर्सेज या कोर्स इनरोल्ड, कि ये वाला स्टूडेंट कितने कोर्सेज में रजिस्टर्ड है, ठीक है। शुरू ये जीरो से होगा क्योंकि जीरो में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम आएंगे, अब हमने देखा है ये चीज़, ज़रा गौर से देखने की चीज़ है कि ये इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हम आएंगे, अब कोर्स इनरोल्ड की एक वैल्यू होगी, चाहे वो जीरो होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी या फोर होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ कोर्स इनरोल्ड दिस डॉट कोर्स इनरोल्ड इज लेस देन 5, ठीक है, यानी कि उसको लेस देन 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर तो लेस देन 5 है तो वो हो सकता है, नहीं तो सॉरी, नहीं तो क्या होगा, एरर एरर अ स्टूडेंट कैन ओनली रजिस्टर टू मैक्स 5 कोर्सेस, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 5 है, इसका मतलब है कि अभी कोई मसला नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कोड लिखेंगे, दिस डॉट कोर्सेज, दिस डॉट कोर्स इनरोल्ड। अब मिसाल के तौर पर अगर पहली दफा होगा तो कोर्स हो गया जीरो, कोर्स इनरोल्ड की वैल्यू क्या होगी, पहली दफा जीरो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब पहली दफा आएगा वो, तो यहाँ ये कर दें, ठीक है, कि जी क्योंकि मैं दोबारा आपको थोड़ा सा, मैं पेन चेंज करके ना, पेन का कलर चेंज करके मैं दोबारा आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, कि जब फर्स्ट पहली दफ़ा ये ऐड कोर्स कॉल हुआ तो क्या होगा, ये वाले लोकेशंस जो हैं, ये वाली लोकेशंस जो हैं ये न्यू हो चुकी होंगी, ठीक है, पांच जगह हमारे पास हैं, लेकिन वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, ये नहीं होगा फर्स्ट टाइम। तो जब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा हम देखेंगे भाई कोर्स एनरोल्ड जो है वो 0 है, 0 इज लेस देन 5, तो इसमें आ जाएगा जो ये सिलेक्टेड आइटम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो कोर्सेज के अंदर दिस डॉट कोर्स एनरोल्ड जो है यानी कि 0th इंडेक्स के ऊपर ये वाला कोर्स असाइन कर दो। इसका मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स के ऊपर ये वाला कोर्स असाइन कर, यानी कि ये कोर्स का ऑब्जेक्ट जो कहीं पर जहाँ पर मेमोरी में पॉइंट कर रहा होगा उसको 0 वाले इंडेक्स पे कर दो। और अगर फर्ज किया ये दूसरी दफ़ा कॉल होगा तो कोर्स इनरोल्ड की वैल्यू जो है अब हम क्या करेंगे, इससे इस लाइन से अगली लाइन के ऊपर हम कोर्स इनरोल्ड की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी ठीक है इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब अब जब दूसरी दफ़ा जब ये कॉल दूसरी दफ़ा जब ये कॉल होगा तो इंस्टेड ऑफ दिस डॉट कोर इनरोल्ड जो है वो 0 हो, अब वो 1 होगा। ठीक है, जब वो 1 होगा तो इसका मतलब है कि ये 1 वाले खाने में ये हमारे पास ये 1 वाला खाना है ना, ठीक है, इस 1 वाले खाने में नया जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा उसकी उसका एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये खुश्क ज्यादा है, लेकिन अगर इसको इस वाले पोर्शन को मैं तो कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि जी आपको 100% नहीं क्लियर हुआ तो इसको दोबारा दोबारा रिपीट करके इसको समझें, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जितना भी हमने पढ़ा उस लिहाज से उतना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने स्टूडेंट के उसमें कोर्स ऐड किया है स्टूडेंट की लिस्ट में। ठीक है, और हमने उसको कैसे लिस्ट ऐड किया है कि हमने जो उसकी लिस्ट है उसको इनिशलाइज कर दिया 5 से, और हमने एक रेफरेंस उसका रख लिया कोर्स इनरोल्ड के नाम के तौर पर। हमने कहा जी कि वो शुरू में वो 0 होगा, तो जब वो 0 होगा तो जब वो पहली दफ़ा कॉल होगा तो हम उसको 1 कर देंगे, दूसरी दफ़ा कॉल होगा तो 2 कर देंगे, तीसरी दफ़ा कॉल होगा तो 3 कर देंगे, चौथी दफ़ा कॉल होगा तो 4 कर देंगे, और पांचवी दफ़ा कॉल होगा तो हम उसको 5 कर देंगे। 5 होने के बाद जब भी वो कॉल होगा तो वो उसमें मजीद ऐड नहीं करेगा, वो कहेगा स्टूडेंट कैन ओनली रजिस्टर टू मैक्स 5 कोर्सेस। ठीक है, चले आगे चलते हैं, जितना अब्जॉर्ब होता है करके आगे चलते हैं, देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट की क्लास हमारे पास तकरीबन जो हम अभी समझ आ सकता था, देखें एक चीज़ तो ध्यान रखें, देख अभी आप बार बार देख रहे होंगे मुझे, मैं एक क्लास को करता हूँ उसको थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, 100% नहीं भी होता वो मैं आगे चला जाता हूँ, तो उसके बाद दूसरा करता हूँ, फिर बाद अवकात पिछली वाली क्लास में जाके एक चीज़ ऐड कर दी। ठीक है, और इस तरह करके होता है, इसको हम कहते हैं इटरेटिव अप्रोच। तो बेसिकली अगर तो हमारे पास बहुत ही कोई क्या कहते हैं उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड सिनेरियो आ जाए जहाँ पर एक चीज़ बने और उससे दूसरी चीज़ बने और उससे तीसरी चीज़ बने और उससे चौथी चीज़ बने तो शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज हमें जो है ये इटरेटिव अप्रोच लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें यानी कि एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। अगर हम सारी चीज़ें पहले क्लियर करने बैठ जाएं कागज़ पेंसिल लेकर कि पहले हम क्लियर कर लें कि क्लास कौन सी बन सकती है, क्या क्या उसमें हो सकता है, उसके बाद इंप्लीमेंट करने जाएँ तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और डबल वर्क। डबल वर्क इसलिए कि पहले वही काम आप कागज़ पे करेंगे और फिर उसको हम डिफाइन करेंगे। तो इटरेटिव अप्रोच से क्या होता है कि हम एक काम करते हैं फिर हम दूसरी जगह वापस जाते हैं, वहाँ देखते हैं हमें एक और चीज़ की विशेष जरूरत है तो हम वहाँ के उसको ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह क्या कहते हैं बिट बाय बिट हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट होता जाता है। अच्छा, हमने टीचर को मेरे ख्याल में देख लिया, हाँ टीचर कर लिया हमने, स्टूडेंट कर लिया हमने, कोर्स भी कर लिया है हमने, बिल्कुल कोर्स भी कर लिया है, कोर्स में कोई चीज़ कमी तो नहीं है, नहीं क्या रह गया, अच्छा मेन हमारा रह गया स्कूल, स्कूल को हमने ऐसा टच भी नहीं किया। स्कूल का जो है ना मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया था, मेरा इरादा था कि आपको सिर्फ समझा दूं, लेकिन ज़्यादा नहीं पहले किया था, थोड़ा सा पहले किया था क्लास से पहले, तो मैं लेकिन आपको बता देता हूँ ये चीज़ यहाँ पर कि क्या क्या मैंने किया स्कूल में। उस दिन हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया था ये वाला नेम। ठीक है, अब स्कूल में देखें दो चीज़ हो रही है जो मैंने किया है। सबसे पहली बात ये मैंने किया है कि स्कूल के नाम के साथ मैंने स्टैटिक लगा दिया। ठीक है ना, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में स्कूल का नाम कोई बार बार चेंज नहीं होगा।
ठीक है ना, और हम एक स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो स्कूल का ऑब्जेक्ट होगा, देखें हमारे स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हमारे टीचर ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे कोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मली स्कूल एक ही होगा। ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि जिसमें हम एक से ज़्यादा स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा केस एट हैंड है उसमें हमने ये डिसाइड किया था, या हमें पता ही लगा था कि हमारे एक स्कूल को मैनेज करना है, ठीक है। तो जब हमने एक स्कूल को मैनेज करना है तो प्रैक्टिकली ये एक स्टैटिक डेटा है, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्स्टेंट डेटा है, ठीक है। तो हमने उसका तरीका क्या देखा था कि हम उसको स्टैटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने जो नेम था हमने उसको बनाया है, और हमने उसको इनिशलाइज भी कर दिया है विद क्या कहते हैं द जावा स्कूल के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक किस्म का प्रायर नॉलेज है, ठीक है, जिस स्कूल के लिए आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने इसमें दो लिस्टें ऐड की हैं कि जी स्कूल जो होगा नॉर्मली वो उसके अंदर स्टूडेंट रजिस्टर्ड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो स्कूल के पास उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, और साथ में ही देख रहे हैं कि स्टूडेंट का काउंट भी एक है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो लिस्ट है वो फिक्स साइज की लिस्ट है, तो इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इसका काउंट भी रखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक चीज़, अच्छा, दूसरी लिस्ट हमारे पास है टीचर्स की, सॉरी कोर्सेज की, तो जो कोर्स है मेरे ख्याल में तीसरी लिस्ट हमारे पास टीचर्स की भी होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि मैंने नहीं डाली भी, लेकिन लेट्स सी, हमें टीचर की ज़रूरत, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमें ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि हम उसको डालें, ठीक है। तो ये लिस्टें हैं, इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही काम कर सकता हूँ, ऐसे ही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 50 हो सकते हैं, बस लेट्स अस्यूम, ठीक है, वही बात हमने कहा आसानी करने के लिए कि हमारे पास ये डायनेमिक लिस्ट नहीं है बल्कि फिक्स साइज लिस्ट है, ठीक है। और इसी तरह जो कोर्सेज स्कूल में ऑफर होते हैं, लेट्स जस्ट अस्यूम, ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन लेट्स अस्यूम के जी वो जो कोर्स हैं मैक्सिमम आपके बहुत ही कोई इलीट स्कूल है, 5 स्पेशलाइज्ड किस्म के कोर्स होते हैं और टोटल 50 स्टूडेंट्स को ये एडमिशन देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और मैंने यहाँ पर इसमें स्कूल के अंदर जो वो है एक बिहेवियर को, एक मेथड को मैंने यहाँ ऐड किया है, और वो है आपका इनरोल कोर्स, ये मैंने काइंड ऑफ पहले ऐड कर दिया, इसको मैं थोड़े से बाद या मैं कर लेता हूँ। इनरोल कोर्स का मतलब है कि जी एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स में इनरोलमेंट करता है, ठीक है, रजिस्टर होता है। तो एक और मैं बनाता हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड एडमिट स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक नया स्टूडेंट आया उसको ऐड करना है आपने, कैसे ऐड करेंगे, अभी अभी हमने कोड लिखा है, बिल्कुल मैं इसको ज़रा तेज़ी में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हमने एक पिछले क्लास के अंदर जो हमने एक कोड लिखा था कि जी किसी कोर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी होगा कि दिस डॉट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की लिस्ट है, सॉरी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसके इंडेक्स नंबर स्टूडेंट काउंट में इस स्टूडेंट को ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ हमेशा कोड में ज़रूरी चेक्स लगाने होते हैं, हमने ये देखना है कि भाई वो स्टूडेंट काउंट जो है वो मैक्स से ऊपर तो नहीं चला गया, क्योंकि हमने ये अस्यूम कर लिया है कि जी स्टूडेंट काउंट जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होगा, हमारे स्कूल में हमारा कोई इलीट स्कूल है जिसमें हम 50 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं देते, अगर होगा तो हम वहाँ पर एरर दे देंगे, मैक्स 50 स्टूडेंट्स अलाउड, ठीक है। और अगर वो 50 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको उसको असाइन कर देंगे अपनी एरे को, और अब हम थोड़ी सी एडवांस कर लेते हैं, ये आपने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि जब आप पोस्ट प्रीफिक्स लगाते हैं इसका क्या मतलब होता है कि अगर पहले 0 वैल्यू थी
तो जीरोथ के ऊपर स्टूडेंट असाइन हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अनटिल इट गोज टू 50। तो ये हो गया एडमिट स्टूडेंट, इनरोल कोर्स, एड अ न्यू स्टूडेंट टू स्कूल। ठीक है, अब ये वाला क्या है, असाइन न्यू कोर्स टू स्टूडेंट। अच्छा, इसी तरह एडमिट स्टूडेंट के साथ साथ हम रिपीट कर देते हैं। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली बड़ा मिलता जुलता होगा एड कोर्स का। फंक्शन भी हमने क्या कहा था, कोर्स काउंट जो है हमारा 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने कोड किया है ये बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड तरीका नहीं है कॉपी पेस्ट करके उसको चेंज करना, क्योंकि इससे एरर प्रोन जो है वो बहुत ज्यादा कोड हो जाता है। मतलब कि जी, अगर आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके सारे चेंज करेंगे, कोई एक चीज भी आप भूल जाएंगे, तो प्रैक्टिकली आप कोर्सेज, दिस डॉट कोर्सेज, दिस शुड बी कोर्सेज, तो आप कोई एक चीज भूल जाएंगे तो आप गलती, यानी कि वो एरर आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल चूंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल था, इसको मैंने उसी तरह कर दिया, एड अ कोर्स टू स्कूल। ठीक है, हमने स्कूल में कोर्स ऐड किया, मतलब स्कूल में पहले मैथ्स और उर्दू के क्लास पढ़ाए जाते थे, कोर्स पढ़ाया जाता था। अब हमने एक फिजिक्स का कोर्स भी मिसाल के तौर पर ऐड कर दिया, और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको देख लें, बिल्कुल वही कोड है कि जी इसमें 5 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो जब पहले चेक करेगा कि जी 5 हो तो नहीं गए, अगर नहीं हुए तो उसको ऐड के काउंट को बढ़ा देगा। ठीक है, 3 स्टेप टोटल, पहले मैक्सिमम रीच तो नहीं कर गया, नहीं कर गया तो इस कोर्स को ऐड कर लो, और अगर ऐड कर लिया है तो काउंट को एक ऐड कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ये हो। और अब हमारा ये तीसरा है कोर्स, इनरोल कोर्स का, मतलब ये कि यहाँ पर हम स्टूडेंट हमारे आ गए इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर कोर्स आ गए, तो अब हम कोर्सेज को स्टूडेंट्स को असाइन कर रहे हैं। तो हम कैसे असाइन करेंगे, हमने जस्ट यहाँ पर चेक कर लिया है इनरोल कोर्स का फंक्शन जो है उसके अंदर स्टूडेंट और कोर्स हमारे पास गिवन है कि जी इस स्टूडेंट को ये वाला कोर्स असाइन करना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि वो दोनों कोई नल तो नहीं है उनमें से, कोई मतलब ये कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर हो तो हम क्या करते हैं, हम यूजर को बताते हैं कि भाई अल्लाह का नाम मानो, एरर क्यों दे रहे हो हमें तुम, एरर स्टूडेंट और कोर्स कैन नॉट बी नल। ठीक है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नेट इशू की वजह से आवाज़ नहीं है या कोई मसला है, तो बहरहाल उनके पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग की, तो कांट डू मच हियर। ठीक है, तो स्टूडेंट और कोर्स नल नहीं होने चाहिए, अगर वो स्टूडेंट और कोर्स नल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी नॉट दिस, स्टूडेंट डॉट एड कोर्स कोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट के कोर्स लिस्ट में कोर्स को ऐड करना है, और कोर्स के अंदर ऐड स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ स्टूडेंट डॉट गेट कोर्सेज, स्टूडेंट जो पहले रजिस्टर हुआ है हम वो चेक करेंगे कि जी क्या वो
गेट कोर्सेज हम करेंगे, हम क्यों गेट कोर्सेज करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि भाई उसका कोई 5 कोर्स पहले से तो नहीं हो गया, ठीक है? तो कोर्स एरे कोर्सेज इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट कोर्सेज, इफ कोर्सेज इज नॉट इक्वल टू नल, हमेशा हम नल सबसे पहले चेक करेंगे, ताकि यानी कि अगर वो नल होगा तो इसका मतलब है कि हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते. इज नॉट इक्वल टू नल एंड कोर्सेज डॉट सॉरी कोर्सेज डॉट लेंथ इज लेस देन 5. एक स्टूडेंट जो है वो 5 से ज्यादा कोर्स नहीं कर सकता, अगर ये है तो स्टूडेंट के कोर्स में कोर्स ऐड कर दो और कोर्स की लिस्ट में भी स्टूडेंट भी ऐड कर दो. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ओह ऐसा तो कोई मेथड ही कोर्स के अंदर नहीं है. जैसे अभी हमने कहा था ना कि हम इटरेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम कोर्स में वापस जाएंगे कि यार इस कोर्स के लिस्ट में भी हमने स्टूडेंट ऐड करना है, ठीक है? तो इसके अंदर ऐड स्टूडेंट का मेथड नहीं है. तो हम इसके अंदर आएंगे और हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट, ठीक है, ऐड स्टूडेंट टू दिस कोर्स. हम क्या करेंगे, अच्छा अब किसी कोर्स की क्या कोई लिमिट होती है? हमने कोई नहीं रखी हुई कोर्स की लिमिट, कि कोर्स के अंदर इतने से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ सकते. होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन लेट्स अस्यूम कि नहीं है, हमें तो ये रिक्वायरमेंट भी नहीं गिवन. तो हम क्या करते हैं कि जी अच्छा नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा मसला इधर हो सकता है. तो हम फर्ज कर लेते हैं स्कूल के अंदर 50 है ना, तो हम कहते हैं भाई 50 स्टूडेंट मैक्सिमम एक क्लास में, सारे के सारे एक क्लास एक कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो चले हमारे मैक्सिमम लिमिट तो बहरहाल ये हो ही सकती है ना. तो एड स्टूडेंट क्या होगा, उसी तरह अगर हमने स्टूडेंट को ऐड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई, दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, रिपीट या यूं कह लें कि क्या कहते हैं, मेमोरी में अगर हमारे पास ये 50 प्लेसेस हैं, ठीक है, पहले प्लेस के ऊपर हमारे पास एक एड्रेस है, दूसरे प्लेस के ऊपर दूसरा एड्रेस है, तीसरे के ऊपर कोई एड्रेस है, ठीक है, 52, तो हमें पता होना चाहिए कि अब ये 4th प्लेस की बारी है जिसमें हम कोर्स ऐड स्टूडेंट ऐड करेंगे, ठीक है? हमने अभी कैसे सॉल्व किया इसको, इसको हमने उसका काउंट रख के सॉल्व किया कि हमारे पास ये नंबर होना चाहिए कि हमने कितने खाने भर दिए, ठीक है? अगर हम ये रखें खाने नहीं हम नंबर नहीं रखेंगे हमने कितने खाने भर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पता नहीं होगा, हम मे भी हम इसको ओवर राइट कर दें, ये 52 लिखा हुआ, हम इसको नए ऑब्जेक्ट से इनिशलाइज कर दें, तो वो तो एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? हमने इस खाने में ये जो ये खाली है इसमें डेटा डालना है, ठीक है, इसको वो करना है. तो लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने पहले किया, कि जब स्टूडेंट हमने रखा है तो फिर स्टूडेंट का काउंट भी रखेंगे. जो कि 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है? और दिस डॉट स्टूडेंट्स की एरे के अंदर दिस डॉट स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये प्लस प्लस क्यों है, ताकि ताकि वो जो हमने कहा था कि फर्ज किया इसके अंदर एक एड्रेस है, इसके अंदर दूसरा एड्रेस है, तो हमारा स्टूडेंट काउंट 2 होगा, ठीक है? तो हम 2 नंबर 2 के ऊपर ये जो नया एड्रेस है मिसाल के तौर पर वो F1 है, वो रख देंगे, और साथ में इस नंबर 2 को हम चेंज करके नंबर 3 कर देंगे ना, क्योंकि ये 2 है ये 3 हो जाएगा, ताकि हमें पता लगेगा कि ये वाला भी फिल हो गया, अब अगले इसकी बारी है, ठीक है? ये हो गया, अब ये हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने स्टूडेंट इसमें डाल दिया, ठीक है, एक नई लिस्ट में. हम वापस जाते हैं, स्कूल में थे हम, हाँ स्कूल में थे,
अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो गया, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोर्स की इन्फॉर्मेशन चली गई, कोर्स के पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चली गई। क्या टीचर में हमारे पास है ऐसा कुछ कि टीचर को भी बताना हो कि भाई टीचर का है कोर्स? नहीं, टीचर के पास सिर्फ कोर्स की इन्फॉर्मेशन है, तो टीचर डज नॉट नीड इट। चलें जी, अब ये हमारे पास हो गया, यूं कह लें कि कोर्स कैजुअल स्कूल स्टूडेंट टीचर। अगर तो यहाँ तक आपने अब्जॉर्व कर लिया है, तो लेट मी गो टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द ड्राइवर क्लास। ये मैंने एक नई क्लास बनाई है। इसमें आने से पहले मैं, बल्कि आ तो गया हूँ मैं, आपको दोबारा से समराइज कर दूँ, समरी कर दूँ कि जी हमने क्या किया अब तक। हमने यहाँ पर, हमें स्कूल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट मिली थी कि ये एक स्कूल है, उसमें ये होता है, उसमें स्कूल खुद होता है, उसमें उसके अंदर कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर उसके टीचर होते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्स जो होते हैं उनका कोई नाम होता है, उनका कोई स्केड्यूल होता है, स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज लेते हैं, तो लिहाजा कोर्स और स्टूडेंट की रिलेशनशिप है, टीचर जो है वो कोर्स पढ़ाते हैं, तो लिहाजा टीचर के पास कोर्स की रिलेशनशिप है, इसी तरह स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। हमने उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर डेटा टाइप्स बनाए। क्या बनाया हमने? स्कूल डेटा टाइप बनाया, कोर्स बनाया, टीचर बनाया, स्टूडेंट बनाया, और एक हमने एक्स्ट्रा स्केड्यूल बनाया। एक दो और बन सकते थे, वो हमने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया सिर्फ कि जी हमें अभी ऐसा जो उस तरह इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मकसद इन जो बना रहे हैं हम उनसे पूरा होता है। अब ये तो हमने बना लिया, ठीक है, सारी चीज़ें हमने बना ली। अब हमने उसको इस्तेमाल करना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना, कि भाई स्कूल में नए स्टूडेंट आ रहे हैं और कोर्स नए शुरू हो रहे हैं और स्टूडेंट उन कोर्सेज को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर जब हम ये कोर्स, जब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना देंगे, तो हम लोगों कहेंगे लें भाई यूज़ करें आपका स्कूल का जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें डालें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है, वो कोई भी बंदा जो होगा वो जो इसको इस्तेमाल करेगा वो कहेगा ये जी मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री करेगा, मेरे पास ये टीचर्स हैं उनकी एंट्री करेगा, मेरे पास ये कोर्सेज हैं उनकी एंट्री करेगा, और फिर वो उनसे उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के लिए का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर वो किसी सर्टेन टाइम के ऊपर वो चेक करेगा कि भाई इस टीचर के कितने स्टूडेंट हैं या इसका स्केड्यूल क्या है, इसी चीज़ को इस्तेमाल करना कहते हैं। तो उसके लिहाज से मैंने यहाँ पर एक सैम्पल एंट्री यहाँ पर लिखी है आपके सामने कि कोर्सेज क्या हैं जी। तीन कोर्सेज हैं, मैथ्स, फिजिक्स, उर्दू, ठीक है। एक का 3 क्रेडिट आवर है, एक का 2 है, एक का 1 है, और उनका ये स्केड्यूल है, ठीक है। स्केड्यूल जो है वो एरे है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके अंदर जो है ना इस तरह का स्केड्यूल है, ठीक है। मंडे 9 बजे 2 घंटे के लिए, और वेनसडे 1 बजे 2 घंटे के लिए, एंड सो ऑन। टीचर जो है उनके नाम है T1 और T2, ठीक है। एक मैथ्स पढ़ाता है, एक फिजिक्स पढ़ाता है, और उनके भी ऑफिस आवर्स हैं। स्टूडेंट है S1, S2 और S3। S1 जो है वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ता है, S2 जो है वो मैथ्स, फिजिक्स और उर्दू पढ़ता है, और S3 जो है फिजिक्स और उर्दू पढ़ता है। एक का रोल नंबर 101 है, एक का 102 है, और एक का 103 है। तो ये हमने इस डेटा से हमने इसको अभी काइंड ऑफ जस्ट इनिशलाइज कर लिया कि हमने कहा कि जी ऐसा कुछ जो है ना स्कूल का वो है, स्ट्रक्चर है। तो लेट्स, अच्छा मैं इसके बाद इसको ऑफ कोर्स फिल भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया कि मैं आपको आपके सामने करूँगा। आपके लिए भी ये फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये कोर्स है, ठीक है, हम कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कोर्स 1, ठीक है, या इसका नाम मैथ्स रख देते हैं क्योंकि इसका नाम ही मैथ्स है, ठीक है।
मैथ्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स अच्छा वो कह रहा है रेड कलर दे रहा है कि भाई ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इसका कोई है ही नहीं, इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है तो कहते हैं नाम और क्रेडिट आवर्स देने पड़ेंगे, तो मैं नाम और क्रेडिट आवर्स दे देता हूँ। और कह रहा है दूसरी ऑप्शन है कि स्केड्यूल भी देना पड़ेगा, तो स्केड्यूल तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं नाम और क्रेडिट आवर्स दे देता हूँ। नाम इसका है जी मैथ्स और क्रेडिट आवर इसका है 3। ठीक है वो ऊपर से मैंने दे दिया। ठीक है इसके बाद मैथ्स का इसमें ऐड स्केड्यूल नहीं है, सेट स्केड्यूल। ठीक है स्केड्यूल देना है। अब स्केड्यूल जो है वो इसका मतलब है कि मुझे बनाना पड़ेगा। ये मैं कह रहा था कि इंक्रीमेंट 1 बाय 1 करते ना। ठीक है अब ये स्केड्यूल का ऑब्जेक्ट मांग रहा है मुझसे, इसका मतलब है कि मुझे पहले स्केड्यूल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्केड्यूल इज इक्वल टू न्यू, ये वाला ले लेता हूँ मैं। अब ये स्केड्यूल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये सबसे पहले मंडे, उसके बाद 0900। अच्छा ये इंट है, मैंने इंट टाइम रखा हुआ है। हाँ ये एरे है, एरे। ठीक है आपको एरे देना आता है, एरे ऐसे देते हैं ना मंडे और वेनेसडे। ठीक नाइन और 13 और तीसरा है आई होप के इट वोंट से टू मी दैट इट इज दिस वन इज रॉन्ग। न्यू इंट एरे अच्छा ये मैंने स्केड्यूल को इनिशियलाइज करा दिया। बेसिकली एरे इनिशियलाइज करने का ये एक तरीका होता है। ठीक है कि आप उसको बता के उसको करली ब्रैकेट में उसको ये बता के कि भाई ये कौन सी टाइप है, न्यू इंट एरे है या न्यू स्ट्रिंग एरे है, और करली करली ब्रैकेट के अंदर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है तो इस तरह मैंने ये वाला स्केड्यूल बना दिया, तो लिहाजा यहाँ पर हमारा मैथ्स का यानी कि ये वाली लाइन पूरी हो गई। ठीक है अब अगर मैं जल्दी से फिजिक्स और उर्दू कर दूँ तो मेरे ख्याल में आपको कोई इतराज़ नहीं होगा, आप इसको सुकून से देख के उसको समझ लीजिएगा, लेकिन होपफुली इट्स ओके। अब हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है अब हमारा ये अच्छा ये जो हम काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डेटा एंट्री। ठीक है यानी कि ये कोड में डेटा एंट्री है, लेकिन इवेंचुअली आपको सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए ये वाला काम करना पड़ता है। तो टीचर है जी, पहला टीचर है हमारा T1। ठीक है न्यू टीचर अच्छा जी न्यू टीचर को हमें नेम देना है, हमने कहा था कि वो T1 है उसका नाम। कोर्स हमने उसको देना है मैथ्स का टीचर है वो, तो वो ऊपर मैथ्स हमारा डिफाइंड है। और ऑफिस आवर्स उसका देना है, ऑफिस आवर्स का स्केड्यूल जो है अब ये इसका डिफरेंट है तो हमें ये वाली चीज़ कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, इसके लिहाज से बनाना पड़ेगा मंडे और फ्राइडे। ये मैं T1 के लिहाज से बना रहा हूँ मंडे और फ्राइडे और 10 और 20, 10 और 20 और 2 आवर और 1 आवर। तो स्केड्यूल जो है ऑफिस आवर जो है उसका वो स्केड्यूल हो गया। ठीक है इसी तरह मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। यूँ हमने टीचर का भी डेटा ये कॉपी पेस्ट करके T2 भी बना लिया है। अब हमने स्टूडेंट 3 बनाने हैं, तो डेटा एंट्री जो है इज अ लॉन्ग वर्क, लेकिन हम जल्दी से कर लेते हैं।
मैं जानबूझ के आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी अंदाजा हो। नेम और नंबर और कोर्सेस, ठीक है? तो नेम और नंबर और कोर्सेस हम दोनों कर सकते हैं ये, ठीक है? तो नेम हमारे पास क्या है? नेम हमारे पास है जी S1। नंबर अभी हमारे पास हार्ड कोडेड है 101, ठीक है? और कोर्सेज क्या हैं? न्यू कोर्स की एरे, और उसी तरह हम कर्ली ब्रैकेट के साथ इनिशियलाइज करेंगे। इसके अंदर है मैथ्स और फिजिक्स। स्टूडेंट S1 जो है वो कोर्स ले रहा है मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स। अच्छा, इसका मतलब है मैथ्स फिजिक्स, ठीक है? ये हो गया, और बस सॉरी। तो इस तरह ये Student 1 हमारा बड़ी जल्दी बन गया। Student 2 को हम बना लेते हैं कॉपी पेस्ट करके उसी तरह। Student 2 का नाम Student 2 है ऑफ कोर्स, रोल नंबर 102 है, और कोर्स जो है वो फिजिक्स और उर्दू है, और अपेरेंटली हमारे पास उर्दू का कोर्स डिफाइंड नहीं है, तो हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा कोर्स किधर है भाई? कोर्स हमारा किधर डिफाइन हो गया? हमने ये फिजिक्स, अच्छा ये हमने डिफाइन किया। अच्छा नहीं, उर्दू का डिफाइन तो किया है, उर्दू है ना, तो उर्दू हम डिफाइन करेंगे। ये इस तरह हो गया। अच्छा सॉरी, मैथ्स फिजिक्स और उर्दू तीनों है, और Student 3 जो है हमारा वो सिर्फ फिजिक्स और उर्दू है। गुड, हो गया, ये हो गया। और Student 3 का नाम Student 3 है, और रोल नंबर यहाँ पर हमारा जी सारा सिस्टम इनिशियलाइज हो गया है। हमारे स्कूल का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है, क्या कहेंगे उसे, कि जो जो उसमें कोर्स होता है, जो उसमें पढ़ाई होती है, वो सारा कुछ यहाँ पर है। अब हम एक काम करते हैं, और हम उसको के जी इसको प्रिंट कर देते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? और ये भी एक जान जोखों का काम है। प्रिंट हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे के जी प्रिंट स्टूडेंट्स। प्रिंट स्टूडेंट्स कोई हमारा मेथड बना ही हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले उसका मेथड बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट्स, बल्कि नहीं, हम अलग अलग नहीं बनाते, हम इसी के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले हम बल्कि स्कूल का स्कूल को प्रिंट करते हैं ना, सबसे पहले हम स्कूल को प्रिंट करते हैं। बल्कि अभी हमारा सॉरी, इनिशियलाइजेशन में एक चीज रहती है, स्कूल डॉट स्कूल के साथ मैंने डॉट लगाया, तो वो कोई चीज क्यों नहीं दे रहा मुझे? हाँ हाँ ये सारे मेथड हमारे वो होने चाहिए स्टैटिक। ये दिस मैंने लगाया हुआ था स्टैटिक, ये तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड, क्योंकि स्कूल हमने कहा था ना कि हमें उसकी तो इंस्टेंसेस नहीं बनाने, वो तो एक स्कूल तो हमारा एक ही है, ठीक है? तो वो स्कूल हमारा सारा स्टैटिक होगा, मैं उसमें से दिस डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये हमारा स्कूल बन गया, ये भी। हाँ, तो अब ये सारा स्टैटिक क्लासेस बन गए, ठीक है? अब हम यहाँ जाएंगे स्कूल डॉट, ये हो गया। तो एडमिट स्टूडेंट, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट हैं, तो हम सबसे पहले S1 को एडमिट करेंगे स्कूल में, फिर S2 को करेंगे, फिर S3 को करेंगे। स्टूडेंट एडमिट हो गया, बल्कि नहीं, स्टूडेंट एडमिट से पहले तो हमें कोर्स वगैरह कर लेना चाहिए ना।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्कूल डॉट एड कोर्स, कोर्स क्या जी, मैथ्स है मेरे ख्याल में, मैथ्स हो गया। फिजिक्स हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, एडमिट स्टूडेंट हो गया, और खैर ये चीज़ हमें अभी करने का उस तरह फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अभी हमने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो हम पहले प्रिंट करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर, क्या हम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रिंट करें, हम कहते हैं जी कि हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट के अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर सके, बल्कि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स की फर्ज की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, हम बाकी अभी इतना टाइम भी नहीं रह गया कि हम प्रिंट कर सकें, तो हमने स्टूडेंट के क्लास के अंदर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ जो कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमने करना है प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमने करना है। अब अगर हम हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, S1 है ना, S1.getName करें, ठीक है, इसको प्रिंट कर दें, फिर स्टूडेंट सॉरी S1.get गेट ग्रेड्स करें, गेट कोर्सेज करें, गेट नंबर करें और इनको प्रिंट कर दें, लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई जिसका काम होता है उसी को करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट से उसका नाम लें और प्रिंट कर दें और उसका फला कोर्स लें उसको प्रिंट कर दें, तो प्रैक्टिकली हम जो है वो ये काम कर रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, स्टूडेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट को बेहतर पता होगा कि जी उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका उसके इंट्रोडक्शन जो है स्टूडेंट को बेहतर पता होगा या होना चाहिए, ठीक है, तो हम इधर जाते हैं और यहाँ पर हम एक बिहेवियर इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग स्टूडेंट एस इन्फो इज इक्वल टू, फर्ज किया एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू करते हैं हम, रिटर्न एस इन्फो, ये क्या करेगा, ये सिंपल ये करेगा, इसमें तीन इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हमें करनी चाहिए, को नेम, कोर्सेज और स्टूडेंट नंबर, ठीक है, तीन तीन चीज़ें हम प्रिंट कर देते हैं। एस इन्फो इज इक्वल टू एस इन्फो प्लस दिस डॉट नेम, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम न्यू लाइन भी लगा देते हैं, और न्यू लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया, और एस इन्फो इज इक्वल टू एस इन्फो हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं पिछले वाले के साथ, हम चाहें तो कॉन्कैट का फंक्शन लिख लें, चाहे हम प्लस लिख लें, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। अब हमने क्या करना है, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अब कोर्सेज जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में हो रहा है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन बहरहाल दिस डॉट कोर्सेज ये है ना, बल्कि कोर्स इनरोल्ड, ठीक है, कोर्स इनरोल्ड आई प्लस प्लस, तो हर नई लाइन में एक कोर्स का नाम आ जाएगा, एस इन्फो प्लस कोर्स
आई प्लस वन यानी कि कोर्स वन प्लस ये मैं तेजी से कर रहा हूँ इसको, लेकिन बहरहाल ये कोई इतना मुश्किल वो चीज़ नहीं है। कोर्स का नाम ये हो गया, तो लिहाजा अब हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस आउट प्रिंट S1 है स्टूडेंट हमारा डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो। अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को खुद से गेट कर करके यहाँ पेस्ट करते प्रिंट करते, तो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे होते, स्टूडेंट का काम जो था वो हम यहाँ खुद कर रहे होते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे S2 का भी प्रिंट हो गया, S3 का भी प्रिंट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर एक \n भी चाहिए ताकि न्यू लाइन पर जाए वो। अभी इसमें काफी सारा कुछ रहता है, अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट का नाम प्रिंट किया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एडमिट स्टूडेंट वगैरह किया है स्टूडेंट को, फिर हमने इसमें ऐसे फंक्शंस वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे फाइंड कोर्सेज रजिस्टर्ड बाय S1 स्टूडेंट 1, फाइंड ऑल स्टूडेंट्स टॉट बाय अ सर्टेन टीचर T1, ठीक है। तो मे बी एक आध मैं आपको बता देता हूँ आप करें, और एक आध जो है वो हम क्या कहते हैं इसको असाइनमेंट या इस तरह करके कर लेंगे। अभी आप इसको करें आज घर पे, आज इसको करें कि यही वाला कि जी एक टीचर जो है T1 हम देंगे, उसके सारे स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं, ठीक है। ये टीचर जो है किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो हमारे होपफुली जो हमने किया है उसमें से ही वो हो जाएगा। तो ये लिहाजा इस वजह से लिहाजा सिंपल ही होगा ये। ये कोड मैं सारा अभी चेक इन कर दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपको ये सारा काम भी करने की जरूरत नहीं है दोबारा दोबारा, लेकिन इसके अंदर वो वाला कोड। और अब आपने मुझे इक्लिप्स में चलता हुआ कोड दिखाना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसका रिजल्ट दिखाना है। अफकोर्स आप ये कर सकते हैं कि इसको चलाएं और कंसोल के ऊपर यहाँ पर जो आउटपुट आता है आप उसकी प्रिंट स्क्रीन भी ऐड कर लें, तो एक तो तरीका वो हो सकता है, लेकिन बहरहाल इक्लिप्स का कोड मुझे चाहिए, ठीक है। चलें वापस हम चलते हैं क्विकली, दो क्या कहते हैं स्लाइडें हमारी रहती हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोड में तो ये चीज़ होगी, ठीक है। मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। अच्छा हम वापस आ गए हैं, अगला टॉपिक हमारा है UML डायग्राम। तो हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, हमने कहा था कि शायद अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत हमें है काइंड ऑफ। आपकी बुक भी इसका बार बार इस्तेमाल कर रही है, तो मैंने कहा अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको अपनी बुक में कन्फ्यूजन होती रहेगी। तो थोड़ा सा हम इसको अभी जो हमने पिछला काम किया है उसके लिहाज से UML को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आगे जो है वो जब भी हम काम करेंगे तो हम UML को साथ साथ ले लेके चलेंगे, तो हमें मसला नहीं होगा, यानी कि वो हम साथ साथ समझते जाएंगे, क्योंकि बहरहाल ये हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड होगी। UML होती क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये किसी सर्टेन लैंग्वेज से एसोसिएटेड नहीं है, जावा नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से शायद ताल्लुक ना हो, लेकिन ये सिर्फ जावा से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जावा या C# या ऐसे पाइथन वगैरह आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर बनाने का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका, एक मेथडोलॉजी है। तो चूंकि ये यानी कि स्पेसिफिक टू सम टेक नहीं है, तो लिहाजा इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी
हमारे पास एक लैंग्वेज से मुहावरा यानी कि एक चीज होनी चाहिए। अब जो कि जिसके काफ़ी सारे दो चार और तरीके हैं, लेकिन बहरहाल उसमें सबसे कॉमन जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, UML। तो UML डायग्राम जो है वो हम यूज़ करते हैं अपने क्लासेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स को, उनके कार्डिनैलिटी को, उनके नाम डेटा को, उनके मेथड्स को, उनके बिहेवियर को, इन सारी चीज़ों को वो करने के लिए करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमने क्लास के, जैसे हमने वो बनाया था अभी अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, एक स्ट्रक्चर सा बनाया था कि ये क्लास इस क्लास के साथ ये ताल्लुक होगा, स्टूडेंट का जो है वो टीचर के साथ एसोसिएटेड होगा, टीचर जो है वो कोर्स पढ़ा रहा होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम UML में वो कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं, तो नॉर्मली उसके स्टेप बाय स्टेप, हम अभी सिर्फ हम क्लास का आज देख रहे हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे रिलेशनशिप्स वगैरह को भी देखेंगे। तो एक क्लास जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्लॉक से, ठीक है, ये आपके राइट साइड पे आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें टॉप पे उसका नाम होता है, यानी कि क्लास, स्टूडेंट क्लास जो होगी वो ये वाला है आपके सामने जो नजर आ रहा है, ठीक है। उसका जो सेकंड बॉक्स होता है नॉर्मली वो जो है वो डेटा फील्ड है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट कह लें, डेटा कह लें, उसको जो मर्जी हम नाम देते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो उसका बिहेवियर या उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी फोर्थ पार्ट भी होता है, वो अगर यानी कि क्लास का किसी और क्लास से कोई स्पेशल किस्म का लिंक हो वटैवर, तो उसको शो करने के लिए, लेकिन बहुत ही रेयरली वो होता है। टॉप पे हो गया क्लास नेम, जो डेटा फील्ड है उसमें देखें माइनस का साइन आपको नजर आ रहा होगा, माइनस का साइन जो है वो बेसिकली प्राइवेट फील्ड के लिए यूज होता है, कि अगर माइनस है तो उसका मतलब प्राइवेट। और नीचे देखें आपको मेथड्स के लिस्ट के अंदर प्लस नजर आ रहा है, विच मीन्स वो पब्लिक है। तो अगर कोई डेटा पब्लिक पब्लिक होता तो उसके साथ वहाँ प्लस लगा हुआ होता है। नॉर्मली डेटा प्राइवेट होते हैं और नॉर्मली मेथड जो है वो पब्लिक होते हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है ये कोई वो नहीं है, पर प्राइवेट मेथड्स भी हो सकते हैं और पब्लिक डेटा भी हो सकता है। और इसी तरह हैश जो निशान होता है, हैश का निशान इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड के लिए, वो बहरहाल अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है तो इसलिए वो अभी यहाँ है भी नहीं, ठीक है। नीचे देखें गेटर्स में आप देख रहे होंगे उसमें रिटर्न टाइप भी है, ठीक है, यानी कि जिस तरह हम कोड में लिखते थे, अब मेरे पास वो मेरा वाइट बोर्ड ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पास चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन बहरहाल उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि इस पोजीशन होल्डर जो है वो बूलियन रिटर्न करता है, तो रिटर्न टाइप जो है वो उसके आगे लिखा हुआ है, सारों के आगे देखें, स्ट्रिंग, वॉइड, इंट, वॉइड, फ्लोट, वॉइड, बूलियन, ये रिटर्न टाइप है। और ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो उनके पैरामीटर्स, अगर कोई यानी कि सेट नेम जैसे वो स्ट्रिंग का पैरामीटर ले रहा है, सेट नंबर जो है वो इंटीजर ले रहा है, सेट सी जी पी ए जो है फ्लोट ले रहा है, ठीक है, और इस पोजीशन होल्डर कुछ भी नहीं ले रहा तो वो खाली है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है UML के अंदर अपने क्लास को डिस्क्राइब करने की, बल्कि जावा के अंदर या किसी कोड के अंदर क्लास को डिस्क्राइब करना, बहरहाल आपने देखा एक लेंथी प्रोसेस है, उसके खास तरीके से लिखना पड़ता है उसके मुकाबले में। इसी वजह से ये UML जो है वो ज़्यादा कॉमन है कि जी इसमें आप क्लास को डिस्क्राइब करना, किसी को बताना, कोई डिज़ाइन करना, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही काम जो अभी हम कर रहे हैं कोड के अंदर, अगर हम UML में करते तो यानी कि काफ़ी कम टाइम में हम कर लेते, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है क्लास को रिप्रेजेंट करने का है। आगे जो जो तरीके आते जाएंगे UML में हम करेंगे। UML का मतलब क्या है कि जी अब हमने हमने कभी क्लास वो करना होगा कि ये क्लास है, तो इंस्टेड के जी हम उसका कोड लिखेंगे, हम इस तरह का बॉक्स बना के ऊपर नाम, नीचे फील्ड और उससे नीचे मेथड्स लिख देंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी ये क्लास है और इसमें ये फील्ड और ये मेथड्स है। थोड़ा सा हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था कि जी कोई डेटा जो है उसका प्राइवेट होना चाहिए, हमने एक नान भाई का किस्सा भी सुना था, ठीक है। तो इसी तरह क्लास एब्स्ट्रैक्शन और क्लास की भी इनकैप्सुलेशन होती है, ठीक है, वो डेटा इनकैप्सुलेशन थी, डेटा फील्ड इनकैप्सुलेशन, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। बड़े सिंपल एग्जांपल क्या है जी, के
क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके यूसेज से अलग हो। अब मिसाल के तौर पर आपको राइट साइड पे क्लास नज़र आ रही है स्टूडेंट की, ठीक है। इसमें नाम है, इसमें हमें नहीं पता कि उसने, मिसाल के तौर पर ये एक है ना इज पोजीशन होल्डर, ठीक है, लास्ट वन। अब हमें यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं लिखी हुई, कैसे वो कंप्यूट करता है कि भाई ये बंदा पोजीशन होल्डर है कि नहीं है। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक रूल हो कि CGPA जो है ना उसका अगर 5 से ज़्यादा है या 9 से ज़्यादा है या 8 से ज़्यादा है, 3.8 से ज़्यादा है या 3.5 से ज़्यादा है, व्हाटएवर, कोई एक रूल हो जिसके बेस पर वो पोजीशन होल्डर जो है, वो स्टूडेंट जो है वो पोजीशन होल्डर होता है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ हमें नज़र तो नहीं आ रहा राइट साइड वाले बॉक्स में। हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जी ये जो स्टूडेंट की क्लास होगी वो आपको ये मेथड देगी, ठीक है, और उसमें ये वाले डेटा फील्ड भी होंगे, अगरचे वो आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे, यानी कि वो माइनस का निशान दिखा रहा है उसमें, और नीचे वाले में प्लस का जो निशान है उसका मतलब वो आपको एक्सेसिबल है। अगर आपने उसका स्टूडेंट का नाम लेना है तो गेट नेम करें, आपको मिल जाएगा। अगर नंबर लेना है तो गेट नंबर करें, अगर CGPA लेना है तो गेट CGPA करें, और इसी तरह सेट का भी है उनका। और अगर आपने ये पता करना है कि दिस स्टूडेंट इज़ अ पोजीशन होल्डर और नॉट, तो इस पोजीशन होल्डर कॉल करें वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि बुलियन रिटर्न करता है वो। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ कि डोंट नो कि जी उसने कैसे कंप्यूट किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक क्या है, यू डोंट नो इट, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कोड लिखा हुआ है, यहाँ नीचे एक स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट डिफाइन किया हमने, उसका नाम रखा मुजम्मिल, उसका CGPA रखा 3.58, और फिर हमने कहा कि जी अगर तो ये स्टूडेंट पोजीशन होल्डर है बेस्ड ऑन व्हाटएवर 3.58, तो फिर उसको हेलो इस तरह करना है, ग्रीटिंग्स इस तरह देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट डॉट गेट नेम, यानी कि इसका इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मुजम्मिल, ठीक है। और अगर वो नहीं है, यानी कि ये टर्शरी ऑपरेटर जो ये क्वेश्चन मार्क वाला, आपको याद होगा कि अगर, अब मेरे पास पेन नहीं है कि मैं इसको पॉइंट आउट करूं, लेकिन बहरहाल ये आपको आता ही होगा, याद होगा कि टर्शरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि इस पोजीशन होल्डर अगर ट्रू होगा तो ये पहले वाला आएगा, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन मुजम्मिल आएगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो इस कॉलन के बाद वाली चीज़ आएगी, यानी कि हेलो मुजम्मिल आएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमें पता नहीं है कि वो हेलो कहेगा या क्या कहेगा, ठीक है, हमें ये पता है कि जो भी कहेगा वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट को हमने कहा था ना कि जिस तरह नान भाई वाले को अपना पता होना चाहिए कि भाई वो उसने नान या शीरमाल कैसे बनाना है, ठीक है, इसी तरह हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जी हु इज़ द पोजिशन होल्डर, हाउ इट इज़ डिफाइंड, या कोई भी इस तरह की फंक्शनैलिटी जो है उस क्लास के अंदर होगी, ठीक है। तो हमने तो उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है, हमने तो ये सोचा है कि जी हम उसको, अगर तो वो पोजीशन होल्डर होगा हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कह के बुलाया करेंगे या व्हाटएवर, और अगर वो नॉर्मल बंदा होगा तो हम उसको हेलो कर देंगे सिंपल, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साइट पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा, यानी कि वो डेफिनेशन हम इसको कहते हैं, और उसके मुकाबले में जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो क्लास का एक्चुअल कोड होता है, जहाँ से हमें ये पता लग जाएगा, मिसाल के तौर पर वहाँ ये लिखा होगा इस पोजीशन होल्डर के अंदर लिखा होगा कि इफ़ CGPA इज़ ग्रेटर देन 3.6 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो जब हम वो देखेंगे तो उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को हम सेपरेट रखते हैं, रखना चाहिए, ये भी इनकैप्सुलेशन की और एब्स्ट्रैक्शन की ये निशानी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इस चीज़ को कहते हैं बेसिकली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, यानी कि ये जो डेफिनेशन है राइट साइड के ऊपर, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, और उसके फिर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है क्लास में, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब आप कोई अपना सिस्टम अपने, जैसे मिसाल के तौर पर हाँ बहुत सिंपल मिसाल है, मैथ्स डॉट स्क्वेयर रूट आपने इस्तेमाल किया अपने पिछले असाइनमेंटों के अंदर, मैथ्स डॉट में भी साइन और कोसाइन भी यूज़ किया हो, ठीक है, मैथ्स के वो सारे फंक्शन यूज़ किए, आपने ये नहीं जाके कोड में देखा कि मैथ्स की जो लाइब्रेरी है मैथ्स डॉट समथिंग, वो कैसे वो चीज़ कंप्यूट कर रही है, स्क्वेयर रूट कैसे कंप्यूट कर रही है, आपने नहीं देखा।
आपने ये देखा कि यार इसमें लिखा हुआ है मैथ्स डॉट सिक्योर रूट, जो है ना मुझे सिक्योर रूट बता देगी, तो आपने वैसे उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन से क्या होता है कि आपको डिटेल जाने बगैर उसको इस्तेमाल करना आ जाता है, और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है आपके लिए। आज के लिए फिर इतना, तो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और ज़्यादा डीप डाइव इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो देखेंगे। तो जब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।